आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये प्यू है हमारे पास, एशियन पेंट कंपनी का, ये वुड टेक गुड टच प्यू है, लग्जरी वुड फिनिश फॉर इंटीरियर। इसके बारे में बताऊंगा, इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, ये प्रोडक्ट कैसा है तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा। तो आज की वीडियो में ये देखिए, ये एशियन पेंट कंपनी का वुड टच प्यू लग्जरी वुड फिनिश फॉर इंटीरियर है, ये अंदर के लिए है, ये टॉप कोड है ये। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो ये डब्बा है, ये 1 लीटर का डब्बा है, ये देखिए यहाँ पे 1 लीटर नेट वेट है इसका। और ये इसका MRP देखिए 645 रुपये का है। तो इसको मैं खोल के दिखाऊंगा, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा ये कैसा होता है अंदर से और क्या क्या मिलता है इसमें। ये देखिए इस तरह का होता है, ये हार्डनर है, ये देखिए ये 200 ml है, ये इसी डब्बे के साथ आता है, 200 ml नेट इसका वो है वजन। ये प्यू हार्डनर है, देखिए वुड टच प्यू हार्डनर फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, अंदर बाहर दोनों में यूज कर सकते। तो ये देखिए फिर हमारा ये इसका वजन जो होता है 800 ml होता है, इसको और इसको मिला के ये पूरा 1 लीटर होता है। तो एक डब्बे में ये 200 ml की पूरी शीशी डलती है। बाकी इसमें मैंने पहले वीडियो में बताया है कि प्यू थिनर यूज़ करना है, एशियन कंपनी का ही प्यू थिनर यूज़ करना है, बाकी कोई नहीं करना है। तो ये मैं और आपको आगे बताऊँगा कि कैसे इसको यूज़ करना है, मैं एक बार खोल के भी दिखाता हूँ आप लोगों को ये अंदर से कैसा दिखता है। अंदर से दिखाता हूँ कैसा होता है, कैसा होता है, ये देखिए कितना क्लियर है, ये देखिए जरा कितना क्लियर है, ये टॉप कोड है प्यू, कितना क्लियर है। तो ये आप गन से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं। तो हम ठीक है जी, अगली वीडियो में बताएंगे कैसे यूज करना है इसको। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपने जितना इसको प्यू को यूज करना है उतना ही इसमें हार्डनर डालना है। अगर आप हार्डनर ज़्यादा डाल देंगे, अगर ज़्यादा माल बन जाएगा तो ये एकदम से जम जाता है, ये वेस्ट हो जाएगा। तो आपने उतना ही बनाना है जितना यूज़ करना है, और उसी हिसाब से हार्डनर भी डालना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज़ करना है इसको और किस तरह से इसकी कोटिंग करनी है। तो फिर आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।